तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है आसिफ। तो आज हम इसमें डायग्नोस करेंगे। इसमें प्रॉब्लम थी वाइट स्मोक की। तो आज हम देखने वाले हैं इसका टर्बो चार्जर जो कि ख़राब है। तो आइए चेक करते हैं। तो ये देख रहे हैं गाइस कितना मोबी आ चुका है पाइपों में। तो हम सब फिटिंग खोल रहे हैं इसका टर्बो चार्जर। आइए दिखाते हैं, ये टर्बो चार्जर है। तो आपको दिख ही रहा होगा ये कोर टूट चुकी है, जो टर्बो में चलती है ये कोर टूट चुकी है। तो आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ। तो खोल के दिखाते हैं और ऑयल भी बहुत गंदा है। तो देखिए, हमने खोल लिया है गाइस। अब हम इसे दिखाएंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये दिख रहा होगा ये अलग ही टूट ही गया है। वैसे तो लूज होता है हल्का, पर ये टूट ही गया है। तो इसे हम डालेंगे, चेंज करेंगे और इसकी सफाई भी करेंगे। तो आइए इसकी हम करते हैं सफाई। देखिए कितना मोबाइल है। तो ये हमने खोलेंगे इसे टर्बो चार्जर को। तो देखिए पूरा ही खराब हो चुका है। तो अब हम इसे सफाई करेंगे, जो कि इंटरकूलर में हमारे बहुत ही ज़्यादा मोबियाल आ चुका था कोर टूटने के कारण टर्बो चार्जर की। तो आपको दिख ही रहा होगा। तो सफाई अच्छे से करेंगे। सफाई अच्छे से नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, प्रॉपर मज़ा नहीं आएगा। सफाई तो हमें अच्छे से ही करनी है। देख रहे हैं कितना मोबियाल है, ऑयल काफ़ी ज़्यादा आ चुका था इसमें। इसके कन्वर्टर जो बोलते हैं कन्वर्टर को साफ करेंगे अच्छे से डीजल से। देख रहे हो कैसा जमा हुआ निकल रहा है इसमें। देखो कितना, मतलब बहुत ज़्यादा कचरा था। और बिगड़ साफ किए तो हम कोई भी चीज़ लगाते ही नहीं है। तो हम इसे अच्छे से सफाई करेंगे। और जो है ये पाइप पाइप को भी अच्छे से, जो ये भी पूरे भिड़े हुए थे इन्हें भी अच्छे से साफ कर लेंगे। कोई भी चीज़ जब काम कर रहे हैं तो सफाई भी अच्छे से ही करते हैं। तो हम इन्हें सबको अच्छे से साफ कर लेंगे। तो हमें इन्हें सबसे अच्छे से साफ करना है। और इंजन देख रहे हो, ये सब लीक लाग भी बंद करनी है हमें। तो हम इसे, चलिए सफाई करते हैं। तो हम इसमें पानी भी लगा लेंगे। हम धो लिया था इसे डीजल से अच्छे से, और पानी भी लगा लेना है। यह है टर्बो चार्जर जो कि हम सेकंड हैंड में यूज़ कर रहे हैं। तो हमें इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। और ये देख लीजिए, बिल्कुल टाइट रहता है, थोड़ा सा लूज रहता है, बिल्कुल टाइट ही रहता है। तो हमें इसे अब अच्छे से साफ कर लेना है, जो कि सफाई में कोई भी हमने पहले ही बचा चुके हैं कि सफाई में बिल्कुल आलस नहीं,
देखो भाई, जो है सफाई से ही सब है, और अगर चाहे तो भी ऐसे लगा सकते हैं, पर वो मज़ा नहीं आएगा, जल्दी कोर कट जाएगी। तो हम कोई भी क्लीनर ले लेना है, टर्बो की कोर पे की, जो कि अच्छे से साफ़ हो जाए, मतलब प्रॉपर सफाई हो जाए। तो हम तो भाई यूज़ करते हैं इसे। तो अच्छे से सफाई कर लेना है और अच्छे से ही सब साफ करके लगाना है। तो प्रॉपर सफाई ज़रूरी है। कस दिया है हमारे अनिस, जो है अनिस भाई ने। तो हमें इस पाइप को भी चेंज करना है, और टर्बो चार्जर डालने के टाइम जो भी चीज़ हमें, जैसे क्लिप है, पाइप है, इन्हें सभी अच्छे से चेक कर लेना है। तो हम लाए हैं ये ओरिजिनल स्विच की कंपनी का पाइप। जो भी डालना है अच्छे से पहले चेक कर लेना है, इंटरकूलर कहीं लीक लाग तो नहीं है। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं ये पाइप, जो कि साउंड करता है एक्सीलेटर लेने पे। तो हम इसे कर देंगे चेंज। तो फाइनली हमने अब कंप्लीट कर लिए इसे, और स्टार्ट करके साउंड भी सुनाते हैं। तो हमारा इसमें कोई मोबाइल वोबाइल जो है सफाई के कारण ये धुआं हुआ निकल रहा है, जो था उसमें देख सकते हैं। फाइनली कंप्लीट हो गई है फिटिंग। जो रह गया था उसमें डीजल वही जलेगा। तो 10-15 मिनट हमें, 20 मिनट स्टार्ट करना है, और एक्सीलेटर तो बिल्कुल भी देना ही नहीं है, रवा हो जाने देना है 10-15-20 मिनट। तो फाइनली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो फाइनली हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी। तो हम इसमें सफाई भी देंगे, बहुत चेंज कर दी है, और जो कि है इसमें स्मोक भी ख़त्म ही हो चुका है। तो हमें इसे भी अच्छे से